तो इतनी पास से आपने कोई भी वीडियो नहीं देखी होगी बॉर्डर की। कारगिल के बाद से एंट्री बंद कर दी हुई है पाकिस्तानियों की, लेकिन ये रियल पॉइंट जहाँ पे हमारी आर्मी दुश्मन का मुकाबला करती है, सामने पाकिस्तान और ये मौत की खाई। आज हम जा रहे हैं तारों के उस पार डेडलाइन पर बनी हुई बाबा जी की दरगाह पे माथा टेकने, जहां कभी पाकिस्तानी भी आया करते थे, लेकिन कारगिल युद्ध के बाद उनकी एंट्री वहां पे हो गई है बिल्कुल बंद। और अभी हम जा रहे हैं जीरो लाइन बॉर्डर, जहां पे मोबाइल अलाउड नहीं है। रिक्वेस्ट करके देखेंगे अगर वहां तक जाने दिया मोबाइल वीडियो बनाने के लिए। तो ये रेलवे फाटक जो देख रहे हैं आप, ये रेलवे ट्रैक जो सीधा पाकिस्तान कसूर जा रहा है, ये देख सकते हैं आगे जो स्टेशन है खेमकर्न का, और यही रास्ता जाता है पीर बाबा शेख ब्रह्म जी की दरगाह के लिए। और ये जो ब्रिज देख रहे हैं ये अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ ब्रिज है, तो देख सकते हैं इसे रिपेयर करके अभी तक जिंदा रखा हुआ है। और इसके साथ ही नया ब्रिज भी बन रहा है, क्योंकि ये रोड जो काफ़ी चलता रहता है, खासकर जो वीरवार को राइट साइड पे जो रोड टर्न गया है, ये सीधा बाबा शेख ब्रह्म जी की दरगाह पे जा रहा है। और यहाँ से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है लगभग। और ये साथ साथ देखिए राइट साइड पे ड्रेन जा रही है, ड्रेन के अंदर मोर्चे भी बने हुए हैं, और यहाँ से लोग पैदल भी जाते हैं। ये देख सकते हैं लेडीज़ सब जो पैदल माथा टेकने जा रही हैं बाबा जी की दरगाह पे। और सामने आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर का गेट लगा हुआ है, यहाँ से एंट्री होती है। डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आई कार्ड चेक करके अंदर जाने देते हैं। और सामने दरगाह है बाबा जी की, और यहाँ पे देखिए आज कितना रश है। और ये जितने लोग हैं सब प्रसाद बेचने वाली जो दुकानें लगी हुई हैं यहाँ पे, तो एक ही दिन यहाँ पे दुकानें लगती हैं, सिर्फ गुरुवार के दिन, वीरवार के दिन। और यहाँ पे कहीं भी पार्क कर सकते हैं गाड़ी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सामने वायरिंग दिख रही है, बिल्कुल दिखाते हैं अभी आपको डिटेल में। ये सारी जो वायरिंग दिख रही है आपको, ये पाकिस्तान बॉर्डर है। और यहाँ पे स्टेज लगती है मेले वाले दिन, तो मेला साल में 2 बार लगता है यहाँ बाबा जी की दरगाह पे। और ये सारी वायरिंग देख सकते हैं आप, वो सामने जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो पाकिस्तान में हैं, और अभी हम इंडिया में हैं। हीरो, ये देख सकते हैं बाबा शेख ब्रह्म जी की दरबार पे आए हैं, जो बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर पे है। और ये जीरो लाइन बॉर्डर देख सकते हैं, यहाँ पे सामने वायरिंग हुई हुई है, ये है जीरो लाइन बॉर्डर। चेक पोस्ट है यहाँ पे, तो उसी चेक पोस्ट पे हम अभी रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि बाबा जी की दरगाह पे हमें सिर्फ मोबाइल से ही वीडियो शूट करने की परमिशन मिल जाए, तो देखते हैं क्या होता है अभी जाकर। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये बाबा शेख ब्रह्म जी का, जो गुरु नानक देव जी के साथ जो मिले थे बाबा शेख ब्रह्म जी, वो इतिहास यहाँ पे लिखा हुआ। तो आप यहाँ पे स्टॉप पॉज करके वीडियो ये सारा पढ़ सकते हैं जानकारी, कि जब मर्दाना जी के साथ गुरु नानक देव जी बाबा शेख ब्रह्म जी को मिलने आए थे, यहाँ पे आप देखते हैं ये सारा लिखा हुआ है इतिहास। और ये सामने बिल्कुल जीरो लाइन बॉर्डर है पाकिस्तान का, और इस साइड में है बाबा शेख ब्रह्म जी की जो दरगाह है, वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, तो इसलिए सॉरी वहाँ की फुटेज हम नहीं दिखा सकते। लेकिन वहाँ पे क्या क्या हुआ, क्या आर्मी से बात हुई, वो आपको पूरी डिटेल में मैं बताऊंगा आगे वीडियो में। तो वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल जीरो लाइन है ये सामने जो तार दिख रही है, और इसके 150 फीट पे आगे जो पिलर लगे हुए हैं वहाँ से पाकिस्तान शुरू हो जाता है। तो उनकी तरफ ना तो हम जा सकते हैं ना वो इधर आ सकते हैं, पहले यहाँ पे पाकिस्तानी जो माथा टेकने आते थे। लेकिन अभी जब पता चला आर्मी वालों से कि कारगिल के बाद से बंद कर दिया है इंडिया ने पाकिस्तान का, कोई भी इंसान इस साइड में बाबा जी की दरगाह पे नहीं आ सकता है, तो जैसे देखा ही आपने वो पंगे जब खुद लेते हैं तो उसका हर्जाना भी भुगतना पड़ता है। तो पहले सब लोग आते थे माथा टेकते थे, लेकिन कारगिल के युद्ध के बाद से बिल्कुल एंट्री बंद कर दी हुई है यहाँ पे पाकिस्तानियों की, सिर्फ इंडियन लोग हैं जो वो
गुरुवार के गुरुवार यहाँ आ सकते हैं। ये देखिए ये लंगर हाल है, तो यहाँ पे आप बैठकर संगत सारी लंगर छक रहे हैं, तो हम भी अभी लंगर खाएंगे और उसके बाद फिर आपको मेन जो बॉर्डर है जीरो लाइन बॉर्डर वहाँ तक आपको लेके जाएंगे। तो ये देख सकते हैं जी यहाँ पे ये लंगर हाल, और यहाँ बैठकर लोग खाना खा रहे हैं। तो काश सब लोग, अगर ये वायरिंग नहीं होती और पाकिस्तानी और इंडियन सब मिलकर यहाँ खाना खाते, हमारी दुआ है कि पहले की तरह सब मिलकर यहाँ माथा भी टेकें बाबा जी की दरगाह पे, और यहाँ बैठकर कितना अच्छा होगा अगर दोनों देशों के लोग यहाँ बैठकर खाना खाएं। तो आप देख सकते हैं सामने जो वायर लगी हुई है, इस वायर से दोनों देश इतने दूर जा चुके हैं कि अब लग नहीं रहा कि दोबारा से, मतलब इतना वो जो पुराना मेल मिलाप था, पुराना जो सिस्टम था कि दोनों साइड से लोग आकर यहाँ मिलते थे, बात करते थे आपस में और बाबा जी का आशीर्वाद लेते थे। तो काश ये वायरिंग तो नहीं हट सकती, लेकिन वो प्यार फिर से बन जाए कि उस साइड से भी आने वाले लोग यहाँ बैठकर सब जो हिंदुस्तानी हैं उनके साथ बैठकर खाना खा सकें। और ये देख सकते हैं यहाँ पे ये सेवादार सेवा कर रहे हैं, और ये वही पुरानी देगे हैं पीतल की तांबे की जिनमें खाना बनता है। और यहाँ पे देखिए इस साइड में सब यहाँ पे ये खाना बना रहे हैं लोग, तो इनसे बात करते हैं अभी, आइए। हाँ भाई, वीरवार दे वीरवार ही होता लंगर जी, वीरवार दे वीरवार जी, वीरवार दे वीरवार ही साल दो मेले लगते हैं, साल च दो मेले बकिंग दे कीले वीरवार, सौन दे कीले वीरवार, केड़े केड़े जी, एक सौन दे कीले वीरवार, सौन दे कीले वीरवार, बकिंग दे कीले वीरवार, बकिंग दे कीले वीरवार, दो बार दोनों बाबा शेख ब्रह्म जी दे ही। देखिए यहाँ बाबा जी की दरगाह के बिल्कुल बॉर्डर लाइन के पास यहाँ पे इंडियन लंगर जो प्रथा है हमारी गुरु नानक देव जी महाराज की वो चल रही है। और देखिए बर्तन धोने की सेवा जो है वो सारी लेडीज यहाँ पे कर रही है इंडियन साइड से। तो बाबा जी के दरबार की चाय का लंगर आई है, चार लंगर छक रहे हैं पंजाबी मुंडे। तो दोस्तों यहाँ से मैं आपको बिल्कुल क्लियर दर्शन करवाता हूँ बाबा जी की दरगाह के। तो ये आप सामने देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर जो लोग घूम रहे हैं वही मेन बाबा जी की दरगाह है। और यहाँ पे बिल्कुल भी कोशिश, बहुत कोशिश करने के बाद भी मोबाइल लेके जाने नहीं दिया गया, तो आप यहाँ से दर्शन कर सकते हैं बिल्कुल। यहाँ से हमने क्लोज करके थोड़ी सी फुटेज यहाँ पे ली है बाबा जी की दरगाह की। जो लोग नहीं आ सकते हैं, भले वो इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, तो जो बाबा जी को मानते हैं वो बाबा जी की यहाँ दरगाह के दर्शन कर सकते हैं। तो अभी हम जब दर्शन करने गए थे दोस्तों, तो वहाँ पे दूसरी साइड से पाकिस्तानी लोग भी कुछ आए हुए थे और वो दूर से ही माथा टेकते हैं, क्योंकि इस साइड में अभी आना बिल्कुल मना है। तो हमने देखा कि दरगाह के बिल्कुल जस्ट पास में जो पिल्लर है जीरो लाइन का जो लगा हुआ है, और उसके साथ 10-15 फीट जो माटी है वो खोदकर खेत की प्लेन किया हुआ एरिया है। मतलब हमने पूछा जब बीएसएफ से, तो उन्होंने यही बताया कि अगर रात को कोई एक्टिविटी होती है, कोई क्रॉस करता है इस जीरो लाइन को, तो वहाँ पाँव के निशान वहाँ पर आ जाते हैं। तो हम डेली सुबह चेक करते हैं, हम भी और पाकिस्तानी रेंजर दोनों साइड से चेक करते हैं कि कोई यहाँ से निकला तो नहीं है, किसी के पाँव के निशान तो नहीं है, भले वो इंसान हो या जानवर हो। तो उस साइड से कुछ लोग आए हुए थे और पाकिस्तानी रेंजर एक जो उनकी रिक्वेस्ट पे आया था कि उन्हें बाबा जी की दरगाह का तेल चाहिए था, लेकिन जो समझिए मजबूरी है या ऑर्डर थे ऊपर से कि किसी को भी ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं दी जा सकती, ना ही कुछ ऐसी चीज़ ली जा सकती है। तो वो जो पाकिस्तानी रेंजर था, जब वो उस ज़मीन को क्रॉस करके आया था जीरो लाइन जो पिलर के पास, तो तेल ना मिलने के बाद जब वो वापस गया, तो वो अपने डंडे से अपने पाँव के निशान जो हैं वो मिटाते हुए वापस जा रहा था। तब हमने पूछा, तो बीएसएफ के हमारे जवान ने बताया
कि ये जो खोद कर जो ज़मीन को प्लेन करते हैं हम 10-15 फीट जो जीरो लाइन के पास है, तो इसीलिए किया जाता है कि यहाँ किसी के अगर निशान रात को कोई आता है क्रॉस करता है तो हमें पता चल सके। तो देखिए अभी भी लोग पैदल चलकर आ रहे हैं बाबा जी की दरगाह पे माथा टेकने के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं अभी काफ़ी लोग आ रहे हैं, सनसेट भी होने वाला है फिर भी लोग पैदल चल के आ रहे हैं। जी ब्रिज है ड्रेन के ऊपर और कहते हैं कि अंग्रेजों के समय का ये ब्रिज है, मेंटेन कर रहे हैं बस। ये ऑटो भी आ रहा है और ये देखिए ये ब्रिज है, इस ब्रिज को क्रॉस करके ही जाना पड़ता है बाबा जी के दरबार पे। ये जो ब्रिज है ये बहुत मतलब अंग्रेजों के टाइम का ये ब्रिज है जो ड्रेन के ऊपर बना हुआ है। यहाँ देख सकते हैं एक समय में एक ही गाड़ी यहाँ से क्रॉस कर सकती है क्योंकि लोड अवस्था यहाँ पे 24 टन की है और ये पूरी ड्रेन है जो हमने पहले भी दिखाई थी आपको, यहाँ पे सूखी हुई है। और सामने देखिए पूरे मोर्चे हैं जो आर्मी के ड्रेन में बने हुए हैं, यहाँ से आर्मी अपना बैकअप करके यहाँ से फाइट करती है अगर यहाँ अटैक कर देता है पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर ही लगता है और तो कोई बॉर्डर है ही नहीं है हमारा इस साइड में खेमकन में। और अब यहाँ पे ये नया ब्रिज देख सकते हैं बनना शुरू हो गया है, अंडर कंस्ट्रक्शन ये काम चल रहा है नए ब्रिज का, क्योंकि ये वाला जो ब्रिज है ये बहुत पुराना हो चुका है अंग्रेजों के टाइम का। ये देखिए खेमकन यहाँ पे लिखा हुआ है और ये कुछ समय के बाद यहाँ पे ये ब्रिज तैयार हो जाएगा। हो सकता है नेक्स्ट टाइम हम कभी बाबा की दरगाह पे आए तो इसी नए ब्रिज से ही जाएंगे, लेकिन अभी जो देख सकते हैं आप ये ओल्ड ब्रिज है यही चल रहा है यहाँ पे। बाबा ही मत्था टेका है टेका है। अच्छा तुसी यार ये तो मिले सी सानू बिल्कुल, यहाँ पे ये टूटा भी हुआ है, थोड़ी सी चेपी लगा लगा के इसको रिपेयर कर करके चला रहे हैं। देखिए यहाँ से ये टूटा हुआ है बहुत सारी जगह से, तो बहुत ही पुराना जो ब्रिज है ये देख सकते हैं। तो अभी चलते हैं हम क्योंकि शाम का समय हो रहा है, अंधेरा हो जाएगा, उससे पहले हम जीरो लाइन बॉर्डर तक जाएंगे जो लास्ट विलेज है खेमकन के साथ एक और जीरो लाइन पे, तो वहाँ से हम देखेंगे कोशिश करेंगे अगर पाकिस्तानी कोई दिखाई दिया तो उससे बात करने की कोशिश भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं अभी जीरो लाइन बॉर्डर पे, आ जाओ जी सपनाम जी।